कहा जाता है कि पंजाब की सियासत का दरवाजा मालवा से खुलता है और बठिंडा इसका केंद्र है। वजह बादल परिवार, लेकिन इस बार पंजाब की बदली परिस्थितियां बादल परिवार के लिए बठिंडा पर चुनौतियों के बादल ला चुकी हैं। रिपोर्ट देखिए। पंजाब में चुनावी बिसात बेहद दिलचस्प है। किसानों के मुद्दे पर भाजपा से गठबंधन टूटने और शिरोमणि अकाली दल के संरक्षक बड़े बादल यानी कि प्रकाश सिंह बादल के निधन के बाद ये पहला लोकसभा का चुनाव है, मगर आप कांग्रेस और भाजपा ने शिरोमणि अकाली दल प्रधान सुखबीर सिंह बादल की पत्नी हरसिमरत कौर की बठिंडा में जिस तरह घेराबंदी की, उससे हरसिमरत कौर की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। जहां एक तरफ शिरोमणि अकाली दल ने अपना गढ़ बचाने के लिए ताकत झोंक दी है, तो वहीं आम आदमी पार्टी ने उसे छीनने के लिए पूरा जोर लगा दिया। अब आपको बताते हैं कि आखिरकार बठिंडा का रण क्या कुछ कहता है। इस सीट पर बादल की बहू और पूर्व केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर लगातार 3 बार से सांसद हैं और 4थी बार चुनावी मैदान में है। आपने अब हरसिमरत के सामने गुरमीत सिंह खुड़िया को ही उतारा। गठबंधन तोड़ने से नाखुश भाजपा ने पूर्व आईएएस अधिकारी परमपाल कौर को प्रत्याशी बनाया, तो वहीं कांग्रेस ने 3 बार के विधायक रहे जीत मोहिंदर सिंह सिद्धू की अकाली दल से घर वापसी कराकर मैदान में उतारा है। लेकिन इस बठिंडा को बादल परिवार का गढ़ क्यों कहा जाता है, वो जानना भी जरूरी है। दिवंगत प्रकाश सिंह बादल लंबी विधानसभा सीट से चुनाव जीतते रहे। प्रकाश सिंह बादल रिकॉर्ड 5 बार मुख्यमंत्री बने। बादल 1967 में पहला और 2022 में आखिरी चुनाव हारे। 1969 से लेकर 2017 तक वो कोई चुनाव नहीं हारे। बठिंडा सीट पर 17 बार लोकसभा के चुनाव हुए, 10 बार शिरोमणि अकाली दल बादल का कब्जा रहा। हरसिमरत कौर उस सीट से बीते कई चुनाव में जीत चुकी हैं। इस बार सवाल ये है कि क्या वो हैट्रिक लगाएंगी। 2009 में पहली बार लड़ा लोकसभा चुनाव, पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह के बेटे रण इंदर सिंह को हराया। 2014 में पूर्व वित्त मंत्री मनप्रीत बादल को शिकस्त दी। 2019 में अमरिंदर सिंह राजा वडिंग से जीती। बठिंडा के लिए सिद्धू मूसेवाला की हत्या एक बड़ा फैक्टर है। सिद्धू कांग्रेस से चुनाव लड़ चुके थे। चर्चा थी कि कांग्रेस से नाराज सिद्धू के पिता बलकौर सिंह निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं, पर कांग्रेस ने उन्हें मना लिया है। ध्यान रहे, सिद्धू की हत्या से नाराज जनता ने संगरूर उपचुनाव में आम आदमी पार्टी को हरा दिया था। इसके साथ ही बादल शासनकाल में 2012 से 17 के दौरान श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी की हुई घटनाएं अब भी एक बड़ा मुद्दा है। बादल परिवार इस पर माफी मांग चुका है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी कड़ी कार्रवाई का वादा कर बारी बारी से सत्ता में भी आई। बेअदबी कांड के दोषियों के मामले में कार्रवाई में दिलचस्पी नहीं लेने से लोग कांग्रेस और आम आदमी पार्टी से खासे नाराज हैं। हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं कि इस इलाके में बादल और उनके परिवार के प्रति अपनापन नजर आता है। बतौर सीएम भी प्रकाश बादल ने इस इलाके में काफी काम किया। अब उनके ना रहने से उनके प्रति सहानुभूति शिरोमणि अकाली दल को फायदा पहुंचा सकती है, लेकिन इन तमाम चीजों के बीच हरसिमरत कौर की राह इतनी आसान नहीं होने वाली। अब 4 जून को पता चलेगा कि कौर यहां से जीत का स्वाद फिर से चखती हैं या फिर कोई और दल उन्हें देता है पटखनी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।